कुकिंग कास्ट राशि में गमन से ग्रामीण आक्रोश, दो माह से मध्याह्न भोजन भी बंद। सरकारी विद्यालय में लॉकडाउन के दौरान छात्राओं के मिलने वाले कुकिंग कास्ट की राशि वितरण में भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत लगातार प्रकाश में आ रहा है। सरकार के द्वारा निर्धारित राशि के विपरीत काफी कम राशि का वितरण बच्चों के बीच किया गया है। ऐसा एक मामला गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिजन टोला मदगड़ी में सामने आया है। प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों के द्वारा राशि गमन करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अभिभावकों के द्वारा बताया गया कि प्रति बच्चा कक्षा 3 से 5 तक 350 रुपए एवं कक्षा 6 से 8 तक को 650 रुपए वितरण किया गया था। इस प्रकार के गमन राशि को लेकर ग्रामीणों के द्वारा 29 जुलाई को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भंडरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच करने को लेकर आवेदन दिया गया है। इस उपरांत में शिक्षकों के द्वारा 30 तारीख एवं 31 तारीख को वितरण किए गए राशि को बच्चों द्वारा यह कहकर मंगाया गया कि तुम लोगों को सोमवार को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तुम लोग उस पैसे को वापस कर दो एवं सभी अभिभावकों को भी बुलाया गया था, लेकिन अभिभावकों को बुला करके पैसा वितरण नहीं किया गया और शिक्षकों के द्वारा गोलमटोल जवाब दिया गया। शिक्षक समिति सदस्य एवं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराया गया है एवं पूर्व में वितरण किए गए राशि का रजिस्टर को देखने के लिए, लेकिन शिक्षकों के द्वारा नहीं दिखाया गया। इधर बच्चों के द्वारा बताया गया कि दो माह से मध्याह्न भोजन भी नहीं बन रहा है, आज ग्रामीणों को देख कर मध्याह्न भोजन चालू किया गया है। क्या कहते हैं शिक्षक समिति सदस्य एवं ग्रामीण जनता, आप गौर से सुने। सूचित किया गया था ये सोमवार को दिन जो पैसा गमन किया गया था, कहाँ पैसा, पैसा जो क्या छात्रवृत्ति के रूप में नहीं, क्या उसको बोलते हैं, प्रतिपूर्ति, हाँ प्रतिपूर्ति, जो क्या उसको बोलते हैं, देखिए हमको कोरोना काल का जो पैसा आया हुआ था उसी के बारे में, तो आजकल का बुलाकर सभी गार्जियन को सभी काम धाना छुड़ा कर आज लोग सर लोग रजिस्टर देने से भी इनकार कर रहे हैं, ये रजिस्टर भी नहीं देंगे। हम लोग बोले कि रजिस्टर कम से कम जो बांटे हैं पैसा पहले 3500 रुपया 600 रुपया तो 200 बच्चे का हो रहा है, तब जाके 1 लाख रुपया कम से कम रजिस्टर दे दीजिए, 8 रुपये के बाद पैसा बांटेगा, लेकिन सर देने से इनका भी इनकार कर रहे हैं और अध्यक्ष भी इनकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये नहीं है तो कहाँ देंगे, कहाँ से वितरण हुआ है उसमें आपको कुछ जानकारी है? हम लोग तो बैठक होइबे नहीं किया है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। तो गुरुजी लोग वितरण होने के बाद हम लोग जाने के 350 और 650 बटा बाकी हाँ बाकी सब है सदस्य हैं, आप भी सदस्य हैं? हाँ सदस्य हैं। लेकिन जो पैसा छात्रवृत्ति जो आया था कोरोना वायरस में बांटने के लिए, कुछ पैसा बटा गया और कुछ नहीं बटने के कारण हम लोग को उपस्थित यहाँ होना पड़ा कि हम लोग को पैसा सब चाहिए लड़का को जो आया है। तो आपको कोई बुलाया था यहाँ आज? हाँ यहाँ हम लोग सब जानता सब आदमी सलाह किया, मास्टर लोग कहे कि पैसा बटना है सोमवार। अच्छा, तो पहले भी तो पैसा बटा था? पहले पैसा सब नहीं मिला था। कितना मिला था पहले? एक थे लड़का के 350 रुपया, एक थे लड़का के मिला है 650 रुपया, दूर मेरा लड़का यहाँ पढ़ने आता है और वो भी पैसा लिए तो मांग लिए, क्या बोल के मांग लिए कि जो पहले पैसा दिए हैं वो पैसा दीजिए, टीसी काट देंगे, हमने तो टीसी काट के घर भेज देंगे। ऐसा बोले? कौन बोला ऐसा? सर बोले हैं। कौन सर? अब कौन सर बोले हैं, बच्चा को बोले हैं, आपको नहीं बोले हैं? इनको तो क्यों बोले हैं, वो लड़का को कि पैसा जो है कोरोना काल वाला मिला था। हाँ, और वो कोरोना काल वाला पैसा जो है से हम हेडमास्टर गुरुजी के सामने दे दिए थे कि आप रखिए, और इसके बाद जो है से हम बांटने के लिए जब समय दिया गया तो हम समय नहीं दिया गया था, हम जब डॉक्टर गए दवा इलाज कराने के लिए गए तो यहाँ बोले गुरुजी की ऐसा है अध्यक्ष जी कि हम पैसा के लिए पूरा ग्रामीण जुटे हैं बांटने के लिए, तो पैसा को कैसे किया जाए, बांटा जाए कि नहीं बांटा जाए, तो हम बोले कि ऐसा है कि जब पूरे आदमी जुट गए हैं, गार्जियन भी जुट गए हैं, तो सबको निराश काहे ला घुमाइएगा, आप लोग बांट दीजिए। अब उसमें सदस्य थे या नहीं थे, हमसे हेडमास्टर गुरुजी कहे कि सब आए हैं फोन करके
आप अध्यक्ष हैं? हम अध्यक्ष हैं। कितना पैसा निकासी हुआ था? 75,230 रुपया हुआ था। 24,500 हुआ था। टोटल पैसा प्रतिपूर्ति की राशि कितना निकाला गया है? 99,810 रुपया। कह रहे हैं कैसे लाल कलम से टीसी काट के दे देंगे। कौन बोल रहा था इसे? हेड सर बोल रहे हैं। कौन हेड सर? नाम? संजय कुशवाहा। का पैसा के बारे में बोल रहे थे? कैसे? जोन पैसा बांटे थे 650 ना, वो नहीं दे रहे थे तब कह रहे थे, अब कुछ गलती काम करते तो उसी कहते थे टीसी काट के लाल पेन से दे देंगे। पैसा जो दिए थे वापस कर दिए? जी। कब? कल। नहीं मिलता है। रोज नहीं मिलता है? नहीं। कब कब मिलता है? कब नहीं मिलता है? कितना दिन से नहीं मिल रहा है? डेढ़ महीने से। बोलो। क्या जनप्रतिनिधियों के साथ में पैसा का वितरण किया जाएगा? यह समिति का निर्णय भी अभी पर बैठक होकर होगा, कल वितरण करें और सूचना इनके दिया जाएगा। पंचायत समिति मुखिया और आज बुलाए थे ग्रामीण लोग को? नहीं, हम लोग अपने मन से आए थे। नहीं बुलाए, वो हम हमारी अनुपस्थिति में बात हुई थी शिक्षक से, आपके सहायक शिक्षक से। आपसे बात नहीं हुआ है? उस दिन हम ट्रेनिंग में थे। आज वितरण के बारे में मतलब आपका सहायक शिक्षक बोले थे, आप नहीं बोले? सहायक शिक्षक का एक आप चाचा जी एक्सपायर कर गए हैं, जिसके कारण हम लोग विद्यालय संचालन करने में बाधा पहुंच रही है, इसलिए वितरण नहीं कर पा रहे हैं और सूचना चारों लोगों को हम नहीं दे पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि वगैरह।